ओम अभ्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में नवम खंडाज पढ़ना है और कहानी सप्तम खंड से शुरू हुई है कि प्रजापति की घोषणा सुनकर के कि मैं जो आत्मा बताऊंगा बता रहा हूं उसको जान लेने से सब कुछ मिल जाता है। देवताओं के राजा इंद्र असुरों के राजा विरोचन दोनों उसके पास आए 32 साल रहे। उसके पूछने पर क्यों आए उन्होंने बताया तो उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में जो पुरुष देख रहा है ना वही आत्मा है वही ब्रह्म है। उन लोगों ने समझा कि कोई छाया पुरुष की बात कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि पानी में दिखता है या आईने में दिखता है। उसने कहा कि जो मैंने बताया ना वही सब जगह दिखता है। फिर उसने उनको पानी में दिखाया कहा क्या नहीं दिख रहा मुझे बताओ कुछ बताया नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छे कपड़े वड़े पहन के आओ फिर देखो फिर क्या दिखा तो उनका जैसे हम थे ऐसे वो दिखा प्रतिबिंब दोनों बार। प्रजापति ने कहा ये तो धीरे धीरे ही इनको जानेंगे ये तो संतुष्ट होकर के चले गए। और विरोचन पहुंच गया असुर राज्य में और उसने कहा कि ये जो देह है ना इसी को प्रजापति ने कहा यही आत्मा है तो ये देह की पूजा करो इस देह को सजाओ धजाओ इसी से सब कुछ मिल जाएगा। अब देवराज इंद्र भी वहां से तो चले गए परंतु अपने लोगों तक पहुंचने के पहले क्या हुआ ये बताया जा रहा है। अतः इंद्रो अप्राप्यैव देवान् एतद् भयं ददर्श यथा एव खलु इयम् अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति सुवसने सुवसना परिष्कृते परिष्कृता एवम एव अयम अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामा परिवृक्नो परिवृक्नो अस्यैव शरीरस्य नाशम् अनु एष नश्यति। तो इंद्र ने अपने लोगों तक पहुंचने के पहले ही जो उसने समझा था वो परफेक्ट नहीं है उसमें उसने भय देखा बंदे मेरा समझना ठीक नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि जैसे हमने अच्छे अलंकार पहने तो उसमें भी अच्छे अलंकार दिखे हमने अच्छे कपड़े पहने उसमें भी अच्छे कपड़े दिखे हमने अपने बाल और नखून काटे तो उसमें भी काटे दिखे ऐसे ही हम अगर अंधे हो गए तो वो भी अंधा हो जाएगा। अगर हमारे साथ तो पूरी हमारे शरीर के साथ अगर उसकी इमेज बदल गई तो फिर हमारा शरीर तो अंधा भी हो सकता है तो वो भी अंधा हो जाएगा। श्राम का अर्थ ऐसे काणा होता है पाचार्य कह रहे काणा तो अंधे में इंक्लूड हो गया तो श्राम का दूसरा अर्थ करो आंख में से नाक में से पानी टपकता रहता तो ऐसे हमारा अगर हो गया तो उसका भी हो जाएगा। और परिवृक्ण माने लंगड़ा या लूला यानी हाथ या पैर अगर कट गया हमारा तो उसका भी हाथ और पैर कट जाएगा और हमारा नाश हो तो उसका भी नाश हो जाएगा। ये उसके मन में आया
यानी किसी भी लेवल पर सोचना जो है ना कंप्रेहेंसिव होना चाहिए कि अगर हमारे जैसे ही वो है, हमें बदलाव हो गया तो उसमें बदलाव हो गया। अब ये सब अपने बारे में ऐसा कोई सोचता ही नहीं है, हम तो अच्छे ही रहेंगे। पर इंद्र है ना वो, तो उसके मन में ही आया, यहां एक सवाल उठेगा, चेहरे जवाब देंगे हमको कि विरोचन के मन में क्यों नहीं आया, इंद्र के मन में क्यों आया, देखेंगे हम। भाष्य, अथ किल इंद्रो अप्राप्यैव देवान, यहीं पर बता रहे आचार्य देखो, दैवी अक्रौर्यादि संपदा युक्तत्व। अरे इंद्र देवताओं का राजा है ना, उसमें कोई देवी संपत्ति होगी कि नहीं तो देवता बना कैसे। और एक उदाहरण दे रहे, अक्रौर्यादि मैंने, ऐसे असुर लोग क्रूर होते हैं, रुथलेस ऐसा तो नहीं है वो, अक्रूर आदि देवी संपत्ति उसमें है, ये मस्त बड़ा फर्क हो गया। माने हम अगर जनरलाइज करके देखें तो जो पापी है वो कैसे आगे बढ़ेगा, पुण्य से भगवान नहीं मिलते, पर पुण्यवान को चांस है भगवान की ओर जाने का। अब यहाँ पाप और पुण्य की बात न करके दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति गीता में जो है उसके ऊपर ख्याल दे करके कह रहे हैं कि उसके पास तो दैवी संपत्ति है, इसलिए गुरु ने जो कहा था गुरु और वचनम पुनः पुनः स्मरण एव, गुरु ने कहा था भीतर में है वही सब जगह है, तो वो उसके मन में घूम रहा था, बार बार याद आ रहा था उसको। गच्छन एतद् वक्षमाणं भयं स्वात्म ग्रहण निमित्तं ददर्श, माने वापिस जाते में उसने जो जाना समझा था उसमें उसको ये गड़बड़ लगी, भयं ददर्श माने उसमें गड़बड़ लगी उसको, भय तो यही भय है ना सर, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगी, ये भय उसको लगा। उदय शराव दृष्टांते न प्रजापति न यदर्थो न्याय उक्तः, कि ये पानी में दिखा करके तो प्रजापति ने कुछ लॉजिक लगाया था ना, लॉजिक हमको समझाया था ना कि तुम ऑर्डिनरी से तो ऑर्डिनरी दिखाता, ये दिखाता ये दिखाता, तो फर्क दिखाया था ना, क्या फर्क दिखाया था बताओ, प्रजापति ने क्या लॉजिक बताया उनको, समझ में आ रहा है। अरे आत्मा का स्वरूप निश्चित होगा, बदलेगा नहीं, और यहां ये बदल गया, हम ऑर्डिनरी ड्रेस में थे ऑर्डिनरी ड्रेस में, तो हम अच्छे ड्रेस में आए वो अच्छे ड्रेस में आ गया, ये जो बदलाव हो गया और आत्मा के स्वरूप के बारे में चल रहा है, वो अमृत है वो ऐसा है वो ऐसा वैसा है, तो ये तो प्रजापति ने हमको एक लॉजिक दिया था, ठीक है। तद एक देशो मगवता प्रत्यवाद, उसमें से एक पार्ट प्रजापति के लॉजिक में से एक पार्ट इंद्र के बुद्धि में खुल गया। एक पार्ट क्या कि शरीर का बदलाव, आत्मा तो किसी प्रकार कभी नहीं बदलती, परंतु एक पार्ट उसका कि शरीर के बदलाव के साथ बदल रहा है वो, ये इंद्र के दिमाग में खुल गया। इतना सुंदर एनालिसिस कर रहे ना प्रत्यवाद बुद्ध, उसके बुद्धि में ये ना छायात्म ग्रहण दोषम ददर्श, तो छाया वाला जो आत्मा है इसमें ठीक नहीं है उसको लगाइए। कथम वो भय दिखा रहे हो कि जैसे ये खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते
छायात्मा साधुअलं कृत भवती सुवसने च सुवसना परिष्कृते परिष्कृतो यथा नखलोमादि देहावय अपगमे छायात्मा परिष्कृत भवती नखलोमादि रहित भवती। ये अलग से क्यों बता रहे हैं? कपड़े बदले तो बदला एक बात हो गई, शरीर का एक भाग काट के फेंक दिया हमने ना, ऐसा क्या आत्मा का एक भाग काट के फेंक सकता है कोई? ये एक परमानेंट लॉजिक है कि हमारा शरीर हम कहते हैं, किसको हमारा शरीर कहेंगे? नख काट दिए तो अब हमारा शरीर नहीं रहा, वो बाल काट दिए तो हमारा शरीर नहीं रहा, वो तो हमारे शरीर नाम की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। एवमेवा अयम छायात्मन छायात्मापि अस्मिन् शरीरे नकलोमादिभिर् देहावयवत्वस्य तुल्यत्वात्। हमारे समान उसका हो गया छायात्मा का, इसलिए तो आत्मा ने इस हेतु से अंधे चक्षुषोपगमे अंधो भवति। हमारी आंख अगर खत्म हो गई तो उसकी भी खत्म हो जाएगी फिर। श्रामे श्रामा, मूल शब्द ऐसे ही रखा है, फिर कह रहे हैं आचार्य श्रामा किल एक नेत्र तस्य अंधत्वेन गतत्वात्। ऐसे श्राम शब्द का अर्थ होता है कण, एक अक्षर, पर आचार्य के वो तो अंधे में हो गया ना इंक्लूड, एक अक्षर की दो अक्षर। चक्षुर नासिका वा यस्य सदा स्रवति स श्राम, तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि जिसकी आंख और नाक सब समय बहती रहती है वो श्राम। परिवृकणा छिन्न हस्त छिन्न पाद, परिवृकण माने या तो हाथ कट गया या पैर कट गया। श्रामे परिवृकणे वा देहे छायात्मापि तथा भवति तथा अस्य देहस्य नाशम अनुएष नश्यति। इंद्र के समझ में आया, अभी अपने ही सोच रहे हो ना, मत्र भोग्यम पश्यामि इति। तो इसमें एंजॉयबल क्या है? सब लोग मिल जाएंगे, भोग्य माने एंजॉयबल, आनंददायी। इसमें आनंददायी क्या है? तब उसने क्या किया? समित पाणि पुनरेयाय, उसने फिर से संविदा हाथ में ले और प्रजापति के पास आ गया। मैंने कॉन्ट्रास्ट में उसके मानता बता रहे, तम प्रजापति रुवाच मघवन यद शांत हृदया प्रावराजी सार्धम विरोचन न किमिच्छन पुनरागम इति। स उवाच यथा एव खलु अयम मघवो अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति सुवसने सुवसना परिष्कृते परिष्कृतः एवमेव अयम अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामा परिवृक्ने परिवृक्नो अस्यैव शरीरस्य नाशमनु एष नश्यति नामत्र भोग्यं पश्यामि इति। तो फिर शायद तो प्रजापति ने कहा कि तू तो विरोचन के साथ आराम से चला गया था संतुष्ट होकर के, फिर से क्यों आया? तो उसने जो मन में आया था वो पूरा उनको सुना कि मैंने तो ये देखा कि ये बदलता है तो वो बदलता है, तो फिर अंधा बंधा ऐसा वैसा हो गया, इसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जो मन में सोचा था वो पूरा गुरु के पास बता दिया। आचार्य कह रहे अतः ना मात्र अस्मिन् छायात्म दर्शने देहात्म दर्शने वा भोग्यम फलम पश्यामि इति। इसमें दो चीजें हैं, विरोचन ने छाया भी नहीं देखा था, देह ही देखा था डायरेक्टली, क्योंकि उसने जाकर के ही बताया ना प्रजापति ने देह को ही आत्मा बोल दिया है, देह की पूजा करो देह को सजाओ। तो यहां पर दोनों का उल्लेख कर रहे हैं, इंद्र ने छाया समझा था, इंद्र ने इसी शरीर जैसा कुछ एक डबल है ये समझा था। तो
ये छायात्म दर्शन बोलो या अध्यात्म दर्शन बोलो, इन दोनों में कुछ भोग्य फलम पश्यामि इति, इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इंद्र ने दोनों सोच के बोला कि इसमें कुछ ठीक नहीं। एवं दोषम देह छायात्म दर्शन, इडबल कह रहे हैं, देह आत्मदर्शन है छायात्म दर्शन है। अद्यवश्य ये मन में निश्चय करके स समित पाणी ब्रह्मचर्य वस्तु, यानी फिर से ब्रह्मचारी होकर रहने को तैयार है, इसलिए समित पाणी लेकर के आया। पुनरे आय तम प्रजापति रुवाच भगवान यद शांत हृदय प्रावराजी प्रगतवान से विरोचन देना सार्धम किमिच्छन पुनरागमिति, तुम संतुष्ट होकर उसके साथ गए थे तो वापिस क्यों आए। यहाँ पर आचार्य और कमेंट कर रहे, इतनी इंपॉर्टेंट बातें साइकोलॉजिकल बता रहे हैं आचार्य। अरे आचार्य के दिल में तो साइकोलॉजी है ना पूरी, फिर पढ़ने वाले कैसे इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। मैंने उनके मन में जो होगा वो शास्त्र में पढ़ते हैं, ऐसी पढ़ाई होती है मालूम है तुमको, तुमको पुस्तक में पढ़ रहे हो और जो तुमको अच्छा लग रहा है वही तुमको उस पुस्तक में दिखता है। देखा ऐसा, समझ में आई बात। एक उदाहरण मेरे सामने, अमृतसर में प्रोफेसर लोग हमारे भक्त थे, उसमें केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे प्रोफेसर भारद्वाज, वो गॉस्पेल खूब चाव से पढ़ते थे, खूब चाव से। पर जहाँ ज्ञान की बात है, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, फिर भक्ति की बात पढ़ने। अब ये तो सिलेक्टिव रीडिंग हो गया। दूसरा ऐसा पढ़ते रहते हैं पर अर्थ वही निकलता जो उनके मन में है, वही कोट करेंगे। फिर लोकेश को पता है, अरे वही आयन मारस की चर्चा चल रही ना, अमेरिका में उसने अरविंदो के ऊपर रिसर्च किया, उसके हमने ऐसा बैठा कि ठाकुर को भी उस गॉस्पेल पढ़ रहा है, लीला प्रसंग पढ़ रहा है और कैसे उसको अरविंद दिख रहा है वहां पर जो ठाकुर के विरुद्ध बोला हुआ। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है, मैंने देखा है अपने समपठियों को भी, कि पढ़ रहे हैं पुस्तक पर अपना ही थॉट पुस्तक में पढ़ रहे, फिर कहेंगे वेदांत में ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, विजानन अपि पुनः पप्रच्छ, यानी प्रजापति गुरु है ना, इंद्र क्यों वापिस आ रहा है उनका पता चल गया ना, पहले भी जब पूछा था 32 साल के बाद क्यों आए हो तो पता नहीं था क्या उनको। विजानन अपि पप्रच्छ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, शुरू में बताया ना विद्या देना लेना कैसा होता है। इंद्र अभिप्राय अभिव्यक्त, ये इंद्र के मन में क्या है उसी के मुंह से निकलना चाहिए, नहीं तो अपना कुछ बोलते ही नहीं गुरु के सामने, बताइए बताइए बताइए। यद वेत्थ तेन मां उपसेद्यति यद यदवत तथा, मैंने सातवां अध्याय हो गया है ना पहले, तो सनत कुमार के पास जब नारद गए और नारद जी ने कहा मुझे सिखाइए, बस ये पहला सेंटेंस, तो सनत कुमार ने कहा आप क्या जानते हैं तो बताओ ना, फिर कुछ कम होगा तो मैं बताऊंगा। इसलिए उन्होंने पूरी लीजिए बताई, तो उन्होंने डायरेक्शन अलग पकड़ के उसमें सिखाया। तो कई बार हम देखते हैं गुरु पूछता है तो क्या आप बताइए आप बताइए, तो यहाँ विद्या ग्रहण संप्रदाय की विधि बता रही है कि विज्ञानन अपि पुनः पप्रच्छ इंद्र अभिप्राय अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति मैंने उसी के मुंह से उसका अभिप्राय पता प्रकट होना चाहिए। यद वेत्त तेन मा उपसीदित इति यद्वत, इसके जैसा तथा च स्वाभिप्रायम प्रकटम अकरोत्,
फिर इंद्र ने अपना बता दिया, यथा एव कलु इत्यादि एवं एव इति च हनुमान महोदय। तो प्रजापति प्रजापति ने कहा हाँ ऐसा ही है, तुमने जैसे देखा ना, ये अगर छायात्मा होगा तो ये जैसा बदलेगा वो बदलेगा, ये मर जाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक ही सोचा तूने, ठीक बात को अनुमोदन करना, गलत बात को अगर डायरेक्टली कहे तुम मूर्ख हो तो नहीं चलेगा, तो गलत बात को छोड़ करके अपनी बात दोबारा बताओ, ये गुरु का मेथड। धीरे धीरे आएगा इसलिए ननु, अब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, ननु तुल्य अक्ष पुरुष श्रवणे देह छाया इंद्रो अग्रहित आत्मा इति देहमय वतु विरोचना तत् किम निमित्त। कि आंखों में दिखने वाला पुरुष प्रजापति ने बोला तो इंद्र ने छायात्मा ग्रहण किया और विरोचन ने देह को ही आत्मा ग्रहण किया, यह कैसे? तत्र मन्यन्ते, मन्यन्ते माने अच्छे लोग इसको ऐसा समझते हैं, यथा इंद्रस्य उदशरावादी प्रजापति वचन स्मरतो देवान अप्राप्तस्य एव आचार्योक्त बुद्ध्या छायात्मग्रहणम तत्र दोष दर्शनम च। इंद्र ने तो छायात्म दर्शन किया था, उसमें दोष भी देखा उसको, न तथा विरोचनस्य, विरोचन का वैसा हुआ नहीं, किम तरी देह व आत्मा दर्शनम नापि तत्र दो दर्शनम बभुव। मैंने उसने देह को ही समझ लिया था, उसमें दोष भी नहीं देखा, तद्वद एव, मैंने ये फर्क अगर तुमको समझ में आ गया तो दोनों का फर्क समझ में आ गया। उसने जो समझा था गलत था और उसको उसने ठीक मान लिया, और इंद्र ने जो समझा था उसको डाउट हो गया, ये तो फर्क देख रहे हैं तुमको। विद्या ग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष अल्पत्व बहुत्व अपेक्षा अपेक्षम इंद्र विरोचनयो छायात्म देहयोर ग्रहणम। इंद्र और विरोचन में प्रतिबंध जो है दोष कम और ज्यादा, यानी दोनों में सही ज्ञान होने में प्रतिबंध है, पर किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ये मन की अवस्था है। इंद्रो अल्प दोषत्वात् दृश्यते इति श्रुत्यर्थमेव श्रद्धाधानतया जग्राह इतर छाया निमित्तं देहं हित्वा श्रुत्यर्थं लक्षणया जग्राह प्रजापतिना उक्ता अयम् इति दोषे भूयस्तात्। तो उसमें दोष कम होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन उसने छायात्म समझा था और उसमें दोष भी देख लिया। यथा किल नीला नीलयोर आदर्शे दृश्यमानयोर वाससोर यन नीलम तन महारहमिति छाया निमित्तम वास एव उच्यते न छाया तद्वदिति विरोचन अभिप्राय। विरोचन ने देखा था कि कीमती कपड़े में कीमती कपड़े ये वो, तो उसने छाया नहीं देखी थी, देह को ही देखा था। स्वचित्त गुण दोष वशात तो अपने चित्त के दोष के कारण ही शब्दार्थ विधारणम तुल्यपि श्रवणे, यानी शब्द तो वही बोले प्रजापति ने, शब्द के अर्थ के रूप में दोनों ने वही लिया है। ख्यापितम दाम्यत दत्त दयध्वमिति दकार मात्र श्रवणा श्रुत्यंतरे। बृहदारण्यक में कथा है कि देवता असुर और मनुष्य तीनों प्रजापति के पास गए कि हमें कुछ सिखाओ। तो प्रजापति ने क्या कहा है मल में, द द द। अब तीनों अपने में दोष देख करके निकालने के लिए उत्सुक थे, तो मनुष्य ने क्या समझा, दान करो, मैंने अनसेल्फिशनेस मनुष्य को आवश्यक है, तो उन्होंने दो से अर्थ किया दान करो। और देवता भोगी होते हैं, अनसेल्फिश तो होते हैं पर भोगी होते हैं, तो उन्होंने समझा दमन कर।
और ये लोग तो क्रूर होते हैं असुर लोग, तो उन्होंने समझा दया करो। प्रजापति ने दो 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 तीन बार कहा, पर इन तीन लोगों ने तीन प्रकार से समझा। ये बृहदारण्य की कहानी है। तो इसलिए अपने मन के अनुसार ग्रहण निमित्तानि अपि तद अनुगुणानि एव सहकारिणी भवन्ति। निमित्तानि माने सहकारी जो साधन होते हैं, लॉजिक वगैरह। लॉजिक भी मन के अनुसार बदल जाता है। क्यों कहा था उसने, हम ऐसा इसलिए ऐसे कहा था। तो ये ग्रह श्रोता के मन पर कितना डिपेंडेंट है। एवमेव एष मघवन् इति उवाच, एतं तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि। वस अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि इति, स अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि उवास तस्मै उवाच। तो प्रजापति ने कहा, इंद्र तूने जो सोचा ना ऐसा ही है, मैं तुझे फिर से समझाऊंगा, इसके लिए तू 32 साल और रहे। मैंने कर्म करना है, सेवा करना है, उससे तो दोष क्षीण होंगे ना। ये गलत है समझ में आया, पर ठीक समझ में आने के लिए और कर्मियों की सेवा की जरूरत और कंट्रोल ब्रह्मचारी, तो 32 साल और रहे। और 32 साल जब रहा वो भी, फिर उसको प्रजापति ने कहा, ऐसा करके खंड समाप्त करा, अगले खंड में जाएगा। एवमेव एष मघवन् सम्यक् त्वया अवगतम् न छायात्मा इति उवाच। प्रजापति, इंद्र तूने ठीक समझा है, मैंने छायात्मा नहीं बोला था। यो मया उक्त आत्मा प्रकृत एतमेव आत्मानं तु ते भूय पूर्वं व्याख्यातम् अपि अनुव्याख्यास्यामि। मैंने पहले बता दिया है, पर अब दूसरे प्रकार से तुझे फिर बताऊंगा। यस्मात् सकृद् व्याख्यातम् दोषरहितानाम् अवधारण विषयम् प्राप्तमपि न अग्रहित। यानी जो समझने वाला है तो एक बार कहने में समझ जाएगा, ऐसे इंद्र ने नहीं समझा था। अतः केनचित् दोषेण प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य, इसलिए किसी दोष है इसमें अभी जो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अतः तत् क्षपणाय वस अपराणि द्वाविंश त्रिशतम वर्षाणि, इसलिए उस दोष को निकालने के लिए 32 साल और रहे। तथा उषित वते, जब वो रहा 32 साल, क्षपित दोष आया, फिर दोष इसका कम हो गया। तस्मै उवाच, फिर प्रजापति बोले दशम खंड। ये एषे स्वप्ने महि अनः चरति, एष आत्मा इति उवाच। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति, स शान्तहृदया प्रवरवराज, स अप्राप्यैव देवान् एतद् भयं ददर्श, तद् यद् अपि इदं शरीरम् अन्धं भवति अनन्दास भवति, यदि श्रामम् अश्रामो नैव एषो अस्य दोषेण दुष्यति। सेंटेंस कंप्लीट नहीं अभी, हाँ आगे पढ़ लेते हैं। न वधे नास्य अन्यते नास्य श्राम्येण श्रामो नन्ति, न श्रामेण श्रामो नन्ति तु एव एनम् विच्छाय दयन्ति इव अप्रियवेत्ता एव भवति अपि।
हृदि थी व नहा मंत्र भोग्यम पश्यामी। तो प्रजापति ने कहा कि देखो स्वप्न में जो अपनी महिमा बड़ाई लेकर के इधर उधर चलता है ना, वो आत्मा है। यानी फिर इसको कॉन्ट्रास्ट ही दिखाने कि जागृति में ऐसा स्वप्न में अलग, तो ये दोनों ही आत्मा नहीं है। धीरे धीरे इंद्र को समझाएंगे, इसलिए उसने स्वप्न की बात की प्रजापति कि देखो जो आत्मा मैंने बताया, आत्मा तो वही बताए आंखों में दिखने वाला, पर स्वप्न में कैसे वो बड़ा हो जाता है और इधर उधर विचरण करता है, वो आत्मा होता है, वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। अब उसने क्या समझा, स्वप्न में मन होता है, यानी शरीर आत्मा नहीं है, मन आत्मा है। और प्रजापति ने शरीर अलग है मन अलग है, तो फिर आत्मा दोनों ही नहीं है ये बता रहे हो। आत्मा है कॉन्शियसनेस देखने वाला, पर उन्होंने इसको हिलाने के लिए शरीर बुद्धि को उन्होंने मन कहा, तो उसने मन ही समझ लिया और शांत हृदय से चला गया वो। पर देवताओं के पास पहुंचने के पहले उसको अपनी समझ में गड़बड़ लगी कि ये अंधा हो जाएगा तो वो अंधा नहीं होगा, नहीं शरीर अंधा हो जाएगा तो स्वप्न में अंधा नहीं होगा वो, ये अगर नाक मुंह टपक रहा है तो उसका नहीं टपकेगा, इसके दोष से उसको दोष नहीं होगा, तो फिर इसके डेथ से भी उसके डेथ नहीं होगी। और ये श्राम्यण श्राम्य तू आया है ना, तू पहले लेना पड़ेगा, परंतु अरे इसकी भी तो डेथ होगी, यानी इसके भी कोई डेथ, मैंने डेथ नहीं लेना है पर इसको भी तो कोई मारेगा पीटेगा, इच्छा दयंती मैंने पीटेगा। अरे स्वप्न में ऐसे अनुभव नहीं होते हम मर गए, होता है ना। मुझे एक स्वप्न बचपन में रोज होता था, कितने साल तक, ग्वालियर में मैंने सरकार की ओर से राजा की ओर से 3 बार गनशॉट्स होते थे, टाइमिंग दोपहर के 12 बजे, रात के 9 बजे और सवेरे का उषा काल जब होगा तब डॉन, उसपे गनशॉट होते थे, पूरे शहर में सुनाई पड़ता था। वो लोग अपने अपने घड़ी लगा लेते या ये भोर का उठने का टाइम हो गया समझते। अब एक्चुअली मैंने बाद में जज करके देखा कि वो शॉट सुनकर के मुझे सपना होता था। सपना क्या होता था कि हम बहुत से दोस्त लोग, हमारे भाई भाई बड़े छोटे दोस्त बहुत सारे लोग एनिमी टेरिटरी में घुस गए और हम सबको पकड़ लिया और सबको शूट करेंगे बोल दिया। फिर वहाँ खाने पीने के ठेले हैं, खा लो तुम लोग जो खाना है हम शूट करेंगे। तो मैंने कहा मुझे पहले शूट कर दो, और शूट करने का ठाउ बचता है मेरी नींद खुल जाती वो तोप के हिस्से। ये सब मुझे कई दिन तक रिपीट होता रहा। यानी अपनी डेथ भी स्वप्न में देखता है आदमी, और घटना पटना भी देखता है, कोई पीट रहा है मुझे, और अपने अच्छा नहीं लगती ऐसे भी अनुभव होते हैं स्वप्न में, फिर रोता भी आदमी स्वप्न में। तो ये तो कोई बहुत चीज नहीं हुई, मन को आत्मा समझने में ठीक नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के इससे मन को इफेक्ट नहीं होता, पर मन के अपने दोष होते ही है ना। ये इंद्र ने समझा। भाष्य पढ़ते हैं दोनों मंत्रों का। ये आत्मा अपहत पापमा इत्यादि लक्षणों ये अक्षिणी इत्यादि ना व्याख्या था ऐसा साहत्व असो
जो आत्मा पाप वगैरह नहीं है बोला था, जो आंखों में दिखता है बोला था, वो कौन है? यह स्वप्ने मई है माना स्त्रियादि भी पूज्य माना चरती। सपनों में बहुत सी स्त्रियां उसको पूजा कर रही हैं, ऐसा कुछ भी देख रहा है। अनेक विधान स्वप्न भोगा अनुभूति, स्वप्नों में कई प्रकार के भोग भोगता है। एष आत्मा इति उवाच इत्यादि समान, बाकी समान अमृत है वह सह एव मुक्त इंद्र शांत हृदय प्रभु। उसको सुनने में अच्छा लगा, वो चल गया। स अप्राप्य व देवान पूर्ववत अस्मिन अपि आत्मनि भयम् ददर्श। ये मन वाले आत्मा में उसको भय लगा। कथम तदिदम शरीरम यद्यपि अंधम भवति स्वप्नात्मा यो अंधा अनंधा से भवति। ये अंधा होने से स्वप्न वाला आत्मा अंधा नहीं होता। यदि श्रमम इदम शरीरम अश्रमश्च अश्रमस्य च भवति। शरीर श्राम है पर वह स्वप्न वाला श्राम नहीं होता। नहीं वैसे स्वप्नात्मा से देह से दोषेण दुष्यति। शरीर के दोष से मन का दोष नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो और तीन मिलकर भाष्य किया है, दो तीन चार मिलकर के हम लोग उसका भाष्य उतना पढ़ लेते हैं। नापि यस्य वेदे न सान्य थे छायात्मावत, इसको मरने से छायात्मा मर जाता, वैसे होने में मर रहा है। न चाहे श्रामेण श्राम स्वप्नात्मा बहुत ही, इसके श्राम होने से वो स्वप्नात्मा श्राम नहीं होता। यद अध्यायाद आगम मात्रेण उपन्यास्तम न अस्य जराया जीरे तो इत्यादि। फिर में बोल दिया था ना उसके जरा भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तद यह न्याय न अपपादितुम अन्यस्तम। हाँ, अभी प्रजापति ने जो बोला स्वप्न का, पहले जो बोल दिया था बुढ़ा नहीं होता है नहीं होता है, उसी को बताने के लिए उसने स्वप्न की बात की है। न तावद अयम छायात्मा व देह दोषयुक्त, छायात्मा जैसे देह के दोषयुक्त नहीं है। किंतु घटनी तो एव एनम एव शब्द इव अर्थ है आचार्य के, मरना माने मरने जैसा समझो, क्योंकि मर के फिर जी रहे ना। घंटी एव एनम केचन इति दृष्टव्यम इव, मानो कोई इसको मार रहा है ऐसा दिखता है। न तो घंटी एव इति उत्तरेषु सर्वेषु इव शब्द दर्शन, बाकी सब जगह इव शब्द है, यहाँ एव है तो एव को भी इव मान। नास्य वदेन अन्यते इति विशेषणात् घंटी तु एव इति चेत। अब यहाँ पर शंका छोटी छोटी बातों में, अरे बाद में आ रहा है ना कि पीटने पर नहीं पीटा जाता, तो फिर एक घंटी माने मारना ही समझ लो, मार डालना। न एवं प्रजापतिम प्रमाणी कुर्वतो अनृतत्वादित्वात् आपादनम उपपत्ते। मतलब प्रजापति तो गलत नहीं बोलेगा ना, इसको ऐसा मत समझो। एतद् अमृतम इति एतद् प्रजापति वचनम। अरे प्रजापति उसको अमृत बोल रहा है ना, तो मरेगा कैसे? कथम ऋषा कुर्याद इंद्र तम प्रमाणी कुरु। जब प्रजापति को प्रमाण मान रहा है इंद्र, तो फिर वो ऐसा कैसे मान लेगा उसका? नो छाया पुरुषे प्रजापति न उक्त से शरीर से नाशम अनु नश्यति इति दोषम अभ्यदा तथा ये भी साथ। छायात्मा समझने पर तो उसने ही समझाता ना, ये मरने पर वो मरेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही समझ लो। न एवं छोटी सी बात पे चर्चा, ये ऐशो अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति न छायात्मा प्रजापति ने छायात्मा कभी बोला ही नहीं था इति मन्यते भगवान। अब तो छायात्मा समझाता ना, तब उसने ये समझाता, अब तो समझ गया कि छायात्मा बोला ही नहीं था प्रजापति ने। कथम अपतप आत्मादि लक्षणे पृष्ठे यदि छायात्मा प्रजापति न उक्ते इति मन्यते तदा कथम प्रजापतिम प्रमाणीकृत्य पुनः श्रवणाय समित पाणी गच्छत। मैंने गलती मेरे समझने में थी, प्रजापति के बोलने में नहीं थी, इसीलिए वो समित पाणी लेके दोबारा आया ना प्रजापति के पास। जगह मच आया तो है। तस्मात् न छायात्मा प्रजापति न उक्त इति मन्यते।
प्रजापति ने छायत में नहीं बोला था, तथा जो व्याख्यातम दृष्टा अक्षिणी दृश्य थी, आंखों में दिखने वाला बोला था उसने, तथा इच्छा दयंती व विद्रा वयंती व तथा च मैंने मारते पीटते न पुत्रादि मरण निमित्त अप्रियवती, स्वप्न में बेटे मर गए तो अप्रिय हो जाते हैं, अपी च स्वयं व रोदती व रोने भी लगता है, ननु अप्रियम वेत्त एव कथम वेत्त एव इति उच्यते। बाप रे छोटी छोटी बात, यानी उसको अगर अप्रिय लगता है तो अप्रिय जैसा क्यों कर रहे हो युव न अमृत अवयत्व वचन अनुभव बत्ते। मैंने प्रजापति ने जो कहा है वो इंद्र को जरा ख्याल में है अभी, तो प्रजापति बोले ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है, तो फिर ये उसके उसका लग रहा है अभी मारने जैसा कुछ अनुभव हो रहा है, दुख जैसा कुछ हो रहा है। गायती हुई थी जो श्रुत्यंतर है, गुरुदान्य को प्रश्न कि स्वप्न में सोचता नहीं है, मानो सोच रहा है। ननु प्रत्यक्ष विरोध ही थी, जब लंबा डिस्कशन शुरू कर, अब कहते प्रत्यक्ष तो हमारा ऐसे अनुभव होता है, वहां रथ है, ये है, वो है, न शरीरात्मत्व प्रत्यक्षवत अभ्रांति संभव। अरे शरीर ही आत्मा समझा तो वो अभ्रांति थी ना, ऐसे स्वप्न में दुख होना होना भ्रांति है सब। तिष्ठ तो तावत अप्रिय व्यक्ता है वह नवा इति ना, मतलब वो क्यों अब करे वो छोड़ो वो बात है, अप्रिय है कि अप्रिय जैसा है, पर इंद्र को ये ना मतलब भोग्यम पश्या, ओके आनंद वाली चीज नहीं दिखी। स्वप्न आत्म ज्ञाने अपनी इष्टम फलम न उपलब्ध, स्वप्न वाला आत्मा सोचने से भी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, एवं एव यश तथा तब अभिप्रायण थी वाक्य शेष। मूल में क्या है, ओहो अब ये चार में जा रहे हैं, तीन और चार में, यहां पर न भोग्यम पश्यामि इति पे भाष्य हो गया, अब तीन पढ़ते हैं। स समित पाणी पुनर्याय तम प्रजापति रुवाच मघवन यद शांत हृदय प्रावराजी किमिच्छन पुनरागम इति। स उवाच तद यद्यपि इदं भगवा शरीरम अंधम भवति आनंदः स भवति यदि श्रामम अश्रामो नैव एषो अस्य दोषेण दुष्यति न वदे नास्य अन्यते नास्य श्राम्येण श्राम्यो भव। यहाँ तक वाक्य हो गया हाँ। नंति तो एव एनम विच्छादयन्ति इव अप्रिय वेत्ता इव भवति अपि रोदति इव नामत्र भोग्यं पश्यामि इति एवम एव एष मघवन इति उवाच तम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यासामि वस अपराणि द्वात्रिणि शतं वर्षाणि इति। स अपराणि द्वात्रिणि शतं वर्षाणि उवास तस्मै ह उवाच। तो वह समित पाणी होकर के प्रजापति के पास दोबारा आ गया, तो प्रजापति ने फिर कहा कि तुम शांत हृदय चले गए थे, क्यों आए वापिस? तो उसने कहा ये शरीर अंधा वगैरह से अंधा नहीं होता, ये तो समझ गया मैं, परंतु जो मन में सोचा था ना वो प्रजापति को होता था कि ये भी तो काटता है, मरता है, रोता है, मुझे कोई इसमें अच्छा नहीं लगा। तो प्रजापति ने कहा ठीक है तुम्हारी बात, ऐसा ही नहीं वो, फिर ये कैसे मैं तुमको फिर दूसरे प्रकार से समझाऊंगा, उसके लिए 32 साल और। तो 32 साल रहा,
उसके बाद प्रजापति ने उसे कहा। तो ये भाष्य लास्ट कहां से पकड़ते हैं, एवं एवं ऐसे तथा अभिप्रायण इति प्रजापति ने, ठीक है तुम्हारी बात, इति वाक्य शेष है। आत्मनो अमृत अवय गुणवत्त से, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं और अभय है तो बता दिया है ना। द्विरुक्तम अपि न्याय तो मया यथावत न बता रहे थी, प्रजापति सोच रहे मैंने दो बार अलग पक्ष से बता दिया फिर इसको धारणा नहीं हुई। तस्मात पूर्ववत अस्य अद्यापि प्रतिबंध कारणम अस्ति इति, अभी भी इसके मन में कुछ अटकाव है मनवाना। तत्क्षपणाय वस अपराणी द्वात्रिशतम वर्षाणी, इसलिए और 32 साल रहने को कह दिया। ब्रह्मचर्य मिति आदि देश प्रजापति तयो उषित वते क्षपित कर्मशाय, रहा वो 32 साल और उसके पाप निकल गए। तब प्रजापति ने कहा एकादश खंड, तद य तद तद यत्र एतत् सुप्तः समस्ता संप्रसन्ना स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति उवाच, एतद् अमृतम अवयम एतद् ब्रह्म इति स शांत हृदया प्रवरवराज, स अप्राप्यैव देवान् एतद् भयं ददर्श, नाह खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम् अस्मि इति, नो एव इमानि भूतानि विनाशम एव अपितो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति। अब ये वेदांत फिलोसफी की एक स्टैंडर्ड बात है जो वेस्टर्न फिलोसफी को पता नहीं है। निखिलानंद जी के मांडू के इंट्रोडक्शन में ये बताया, मैंने बताया था ना उस दिन कि पार्शल लेटर विल ऑलवेज गिव पार्शल। तो जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीनों हमारे अनुभव हैं, इन तीनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो और ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, इसलिए इनसे अलग कोई है ऐसा सोचना पड़ेगा। और वेस्टर्न वर्ल्ड खाली हमारे जागृति के अनुभव पर से पूरी दुनिया रचते। तो प्रजापति ने देखा कि स्वप्न वाला भी नहीं समझा तो सुषुप्ति वाला बता रहे हो। कि जब ये सोता है समझता समझता नहीं पूरी तरह सो जाता है, संप्रसन्न खुश होता है वहां पर, स्वप्नम न विजानाति कोई दृश्य नहीं देख रहा है स्वप्न में भी, वो आत्मा है, वो आत्मा है ये बताया, वो अमृत है वो अभय है वही ब्रह्म है। अब इंद्र समझ गया कि मन के बाहर है, वो शांत हृदय से चला जा रहा था, पर बीच में उसने सोचा कि अरे ये तो कोई ठीक नहीं हुआ, क्योंकि गहरी नींद में तो हम है ये हम नहीं जानते, दुनिया को नहीं जानते, ये क्या, अरे अभय वगैरह आनंद होना चाहिए ना, तो गहरी नींद में वो आत्मा हो गया, वो मैं अपने को नहीं जानता, मैं क्या हूं दुनिया को नहीं जानता, ये तो मर्जी जैसे ही हुआ नाश ही हो गया मैं का, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने सुषुप्ति वाला आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम जागृति स्वप्न वाला आत्मा, पर वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो वहां पर ये दोष दिखे उसको, अपने को नहीं जानता मैं फलाना फलाना हूं ऐसा अपने को नहीं जानता और दुनिया को भी नहीं जानता कुछ, तो ये तो मरने जैसा हो गया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, बहुत पढ़ लिया है? ये सुषुप्ति वाला आत्मा और उसके बाद में उसने क्या,
अब प्रजापति उसको 5 साल रहने को दे, काफी पास आ गया है वो। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पण।